बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़क़त का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। कहते हैं हकीम लुकमान के पास अकल आई तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहां रहती हो? उसने जवाब दिया, मैं अक्ल हूं और इंसान के सर में रहती हूं। फिर तकदीर आ गई तो आपने पूछा, तू कौन है और कहां रहती है? उसने कहा, मैं तकदीर हूं और इंसान के सर में रहती हूं। आपने फरमाया, वो तो अक्ल की जगह है। तकदीर ने जवाब दिया, जब मैं आ जाती हूं तो अक्ल रुखसत हो जाती है। इसके बाद मोहब्बत आई तो आपने पूछा, तुम कौन हो और कहां रहती हो? उसने जवाब दिया, मैं मोहब्बत हूं और इंसान के दिल में रहती हूं। आखिर में लालच आ गई तो आपने पूछा, तुम कौन हो और कहां रहती हो? उसने कहा, मैं लालच हूं और इंसान के दिल में रहती हूं। आपने फरमाया, वो तो मोहब्बत की जगह है। लालच ने जवाब दिया, जब मैं आ जाती हूं तो मोहब्बत रुखसत हो जाया करती है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना लोग तो गलती होने के बावजूद सही होने की जिद पर अड़े रहते हैं। अगर कोई आपके दिए गए गमों पर खामोशी इख्तियार कर ले तो उसे कमजोर मत समझें। हो सकता है उसने अपने हक के फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए हों। नाबीना निकालते हैं मेरे चेहरे में नक्स, बहरों को शिकवा है कि गलत बोलता हूं मैं। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। गलत कहते हैं कि मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मोहब्बत तो सिर्फ वो जायज है जिसमें पाकीजगी हो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि इसमें पछतावा ना रहे, बल्कि आपको छोड़ने वाले पछताएं। असल ख्वाब इंसान को सोने नहीं देते, जबकि कुछ लोग सोकर ख्वाब देखते हैं। वजाहत देने से कुछ नहीं होता, जो आपको पसंद करता है वो बगैर वजाहत भी समझ जाएगा, और जो पसंद नहीं करता वो वजाहत देने पर भी आपको कसूरवार ठहराएगा। लोग अपनी बुराइयां जानने के बावजूद बुरा कहे जाने पर बरहम हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाला शख्स कामयाबी से महरूम रहता है। मुखालिफत का बढ़ना इस बात की दलील है कि आप हक पर हैं। उस्ताद का किरदार सूरज की तरह होना चाहिए, जो कि सब तक यकसां रोशनी और हरारत पहुंचाता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि वो जब चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है। क्यों हमको सुनाते हो जहन्नुम के फसाने? इस दौर में जीने की सजा कम तो नहीं है? अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में घिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से कह नहीं सकते। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो, कोई इन्हें खरीदने की कोशिश न करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे। किसी मर्द की साथी बनना औरत की तकदीर में पहले से ही लिखा जा चुका है। तफरीह बनना औरत खुद मुंतखब करती है। गुफ्तगू और बहस में एक फर्क यह है कि गुफ्तगू के लिए जरूरत होती है इखलाक की, इखलास की, फिकर की, समाद की और इल्म की, जबकि बहस के लिए सिर्फ अना की। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से हैं अच्छी बातें करने वाले मुनाफिक लोग। जिस्म फिर भी थक हार कर सो जाता है,
ज़हन का भी कोई बिस्तर होना चाहिए। जिंदगी में सुकून अपनी मर्जी पूरी करने से नहीं, अल्लाह की मर्जी पूरी करने से आएगा। कभी कभी इबादतें नहीं, नदामतें भी कबूल होती हैं। कभी कभी अच्छा लगता है सब जान कर भी अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। कुदरत ने आपकी तखलीक में किसी की नकल नहीं की। आप भी किसी से मुवाजना करने की बजाय अपनी फितरत को इस्तेमाल करें। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो खताकार है, मगर अना और तकबर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतजार न करें। रिश्तों की बका का राज यही है। इंसान की सबसे बड़ी नासमझी ये है, उसे लगता है मेरे बस में कुछ नहीं। जिस इंसान के अंदर मायूसी होगी उसके अंदर यकीन नहीं होगा, जिसके अंदर यकीन होगा उसके अंदर मायूसी नहीं होगी। बाज़ुकात लोग सच सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनके वहम को खत्म कर दें। किसी शख्स के जितने कम दोस्त होते हैं उतना ही उसके पास अपने साथ अकेले रहने का वक्त ज्यादा होता है और वो उतना ही खुश होता है। जबकि ज्यादा दोस्त रखने वाला शख्स हर वक्त अपनी या अपने दोस्तों की परेशानियों में ही मसरूफ रहता है। वो अपने आप को भी नहीं पहचान सकता कि मैं क्या हूं। इंसान भी अजीब मिजाज का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है, जो उसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। यकीन खाली दिल को भर देता है, बेयकीनी भरे दिल को खाली कर देती है। जुमला बहुत छोटा है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। जिंदगी में इस कदर आगे बढ़ो कि लोगों की बुराई के धागे तुम्हारे पैरों में आकर टूट जाएं। नफरत के काबिल वो लोग होते हैं जो होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, जताते कुछ और हैं। जो लोग हमें नहीं जानते उनकी नजर में हम आम हैं। जो हमसे हसद रखते हैं उनकी नजर में हम मغرور हैं। और जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी नजर में हम खास हैं। रिश्तेदार, दोस्त और मकान बदलने के बावजूद भी अगर आप खुश नहीं तो अपना रवैया बदल कर देखें। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। जिंदगी एक सफर है, यहां कोई ठिकाना नहीं। मुश्किलों में अपने ईमान को बरकरार रखना, यही जिंदगी की असल हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे तो देर से ना सोएं। दिल बड़ा रखिए, तंग दिल रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। और इंसान की बीमारी की बहुत सी वजूहात में से एक उसकी तंग नजरी और दूसरी औरों के दिल आजारी होती है।